वेलकम टू आर्यन जावियन ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज है ईद का चौथा दिन और आज हम इंशाल्लाह जाएंगे डाइनो वैली। और इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 8 और मैं बनाने लगी हूँ आर्यन के लिए पीडियाश्योर। और ये चॉकलेट फ्लेवर में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये कैसा दूध है। तो ये बहुत ही अच्छा दूध है बच्चों की ग्रोथ के लिए स्पेशली। और आर्यन को इसमें सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। तो ये जो है आर्यन तकरीबन 2 साल का था तब से वो पी रहा है और माशाल्लाह अभी वो 4 साल का हो गया, तो ये दूध ही वो पीता है। और इससे जो है वो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है। और उसके अलावा ये पूरा एक मील है, यानी एक टाइम का खाने के तौर पे आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें मल्टी वाइटामिन्स वगैरह हैं। और जिस तरह से मैं कह रही हूँ ना, एक पूरा मील है तो बहुत एक हैवी जो है वो मिल्क है, ठीक है। एक तो होता है ना, हम सिंपल बच्चे को दूध देते हैं, तो ये उस तरह का नहीं है, एक पूरी डोज है, एक पूरी खुराक है। तो आर्यन जो है सुबह उठ के दूध लाजमी पीता है और उसके तकरीबन आधे घंटे एक घंटे बाद जो है वो फिर नाश्ता करता है। तो अभी बस इसके लिए बनाने लगी हूँ। और इसके लिए मैंने लिया है 7 ml जो है मैंने लिया है, 7 oz तक सॉरी पानी लिया है। और उसके अंदर मैं डालूँगी 5 चम्मच ये दूध। और कभी कभी मैं इसमें शहद जो है वो ऐड कर देती हूँ, और कभी जो है वो खजूरें जो होती हैं उनको भी ग्राइंड करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो अब आप कहेंगे जी क्या दूध के फ़ायदे बताना शुरू कर दिए, तो चलें जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। जान भाई क्या ये जान और यहाँ मैं जावियन को ड्रेस चेंज करवाने लगी हूँ। और जावियन का ये ड्रेस बनाया है शीशी मास्ती ने, और जावियन इसमें माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा माशाल्लाह। करने लगे हैं नाश्ता। आज नाश्ते में हम लेकर आए हैं नान और साथ में क्या है, चने। और हमारे पास कौन बैठा हुआ है? आर्यन। चाय भी बना लेते हैं ना। और दीका खाला भी आ गई हैं। और दीका खाला की मेहंदी आपको मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही है। बॉटल तो उठा दें बीच में से। दीका खाला को मेहंदी किसने लगाई है? हादी मौसी ने। हादी मौसी ने। हादी मौसी इज सो कूल। मैंने आपको इसलिए पैदा किया कि आप पार्क देखो। और यहाँ पे मैं चेंज करवा रही हूँ आर्यन को ड्रेस जी। तो माशाल्लाह से अब ये दोनों रेडी हो चुके हैं। और अभी जावियन भी अपनी दादू के पास से आ गया था, तो बस जावियन को मैं ड्रेस चेंज करवाऊंगी क्योंकि बाहर है बहुत गर्मी, तो इसे निकर शर्ट पहनाऊंगी। तो ड्रेस चेंज करने के बाद अब हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तकरीबन 12 हो चुके थे और दीका खाला हमारे साथ जा रही हैं। फिर वहाँ से हमने शीशी मासी और हादी मौसी को लेना है, तो फिर सब हम इकट्ठे जाएँगे। मौसम हो गया ठंडा ठंडा। कैसा मौसम हुआ दी? ठंडा ठंडा। बेबी आपको ठंडी लग
आई थी। मैं ऑलरेडी आज सुबह के व्लॉग में बता चुकी हूँ। अच्छा तो यार एक लाइन उन्होंने बाल दिए ना, या एक लाइन उन्होंने बाल दिए ना, अब यहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ दूसरा रह गया, हम पहाड़ पे क्यों नहीं चल रहे? अभी जाएंगे भी चढ़ेंगे ना। मुझे पहाड़ वाला फैशन बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ वाला और यहाँ पे हो गई थी हमारी गाड़ी गरम, जिसको अभी पानी डाल के ठंडा किया जा रहा है। तो यहाँ हमने सोचा था कि हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी गाड़ी। पर थोड़ी देर के बाद फिर सब नॉर्मल हो गया और हम लोग फिर दोबारा से डायनो वैली की तरफ चल पड़े। यहाँ पर गाड़ियाँ फंस रही हैं तो ऊपर से गाड़ियाँ फिर फंस जाएं। तो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही है ना, तो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही है ना, लगता है ऊपर ही डायनो होगा ना, ये फिर हो रहा ना। बस दुआ करो जान यहाँ से गुजर जाएंगे, बहुत हुआ है डिफिकल्ट जगह है यहाँ से। वो देखो ना गाड़ी लोगों की रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर हमारी भी स्टॉप होगी फिर हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा। वो देखो ना वो अंकल की गाड़ी वापस सो रही है, टर्न हो रही है पीछे। बेबी आप पहले क्यों रो रहे थे? क्योंकि हम डाइनो वैली से नीचे जा रहे थे, अल्लाह ताला ने इसका टेस्ट किया और ये टेस्ट में फेल हो गया। नहीं जी इसने इतना सबर किया है, इसने फिर एकदम मान लिया था ना आर्यन कि अच्छा हम फिर मंकी वाली जगह चले। और आपने दुआ की अल्लाह ताला से? अल्लाह रहम बिस्मिल्लाह। आपने नोज क्यों ऐसी की हुई है? किसकी बुआ रही है? इतनी ज़्यादा चढ़ाइयों पे ऊपर चढ़े और इतनी ऐसा लगता है टायरों टायर पिघल गए हैं सारे, हर तरफ फर के स्मेल स्मेल हो गई है। शुक्र है मौसम बेहतर अल्लाह जी ऐसे ही देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा ठंडा मौसम, बीच में कभी कभी गर्म जी। तो हम पहुंच चुके हैं डाइनो वैली और यहाँ पे अभी बहुत धूप थी, तो हमने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद फिर हम जो स्विंग्स वगैरह हैं उनकी तरफ आएंगे, डाइनोस की तरफ आएंगे। तो पहले सब खा लेते हैं खाना, क्योंकि तकरीबन 2:30-3 हो चुके थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं ऊपर कार्निवल रेस्टोरेंट और यहाँ का खाना जो है वो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा। और रेस्टोरेंट की बाकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी और वॉशरूम भी इनके बहुत नीट एंड क्लीन थे। हम यहाँ से जा रहे हैं सीढ़ियों से, पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो हम इस साइड से नहीं गए थे, दूसरी साइड से गए थे और अभी हम इस साइड से जा रहे हैं। वाह तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट क्योंकि हम सबको भूख लगी है। तो ये था इटालियन प्लेटर, एक हमने ये मंगवाया था और इसके साथ हमने मंगवाया था चिकन सीख कबाब विद चीज़, और ये सबसे ज़्यादा यम्मी था। और इसके अलावा नान थे और नान भी बहुत मज़े के थे, और साथ में थी जो है ये पाकिस्तानी प्लेटर था, ये अलग से मंगवाया था। और पाकिस्तानी प्लेटर के अलावा यहाँ पे हमारे पास था चिकन मलाई बोटी, और ये भी बहुत यम्मी थी। और ये तो मैंने खाली सिर्फ चम्मच से खाई थी। और इसके अलावा ये जो है ये है दम बिरयानी, और अब इसको हम ओपन करेंगे, और ये भी बहुत मज़े की थी।
लगा? बहुत अच्छा लगा है। क्या क्या फेवरेट था आपका? सब कुछ बहुत अच्छा था। ये फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छी टेस्ट की, ऐसा लगा था हर चीज़ का अलग शेफ। नाइस रिव्यू। हैरी पॉटर का तो नहीं है ये? ओ, वैसे बोल रही हूँ। ये आंखें क्यों नहीं झपक रहा? कुछ आंखें क्यों नहीं झपक रहा? इसको क्या हो गया? पत्थर का हो गया? झपक ली। थैंक यू। 2 घंटे से खड़ी थी। मुड़ो दोनों में। हाँ, इकट्ठी मुड़ना था। 1 2 3। और यहाँ पे भी आर्यन, मैं और दीका खाला हम लेने लगे हैं किंग कॉन्ग स्विंग, और ये भी बहुत ज़बरदस्त था। इस पे भी आर्यन ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। जुजू क्या कलर? पानी पीना? जुजू ने पानी पीना? कौन? मी फ्रेंड। पानी कौन पिएगा? जुजू? जुजू पानी? जुजू पानी? Thank you.
और अभी हम यहाँ पे पढ़ने लगे थे नमाज, और नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे भी जिस तरह से गीगा मॉल में है प्रेइंग एरिया, इसी तरह यहाँ से भी बाकायदा एक नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है जहाँ पे आप आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। तो हमने नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल गए। अभी हम बिल्कुल एंड पे नीचे तक गए थे और फिर इनको याद आया कि नमाज वाली जगह तो ऊपर थी, तो अब ये फिर सारे वापस ऊपर आए हैं। आप हालत देख सकते हैं ज़िदिका के चलने से। जी, तो फिर उसके बाद आर्यन की मासी, मौसी और खाला को हमने घर में छोड़ा, और आर्यन बहुत ज़िद कर रहा था उनके साथ जाने की, बहुत रो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आप को मामा कुछ ले देंगी, तो उसने आइसक्रीम और कोक का कहा, तो अभी उसने वही ली हैं दोनों चीज़ें। बताओ मामा, जामिन। अच्छा, जामिन आप क्लिक नहीं करो, मैं आपको देती हूँ। कैसी लगी है? देखो आपकी सारी विशेज पूरी हो जाती है ना, अल्लाह का शुक्र है। आप भी बोला करो ना। चलो अब व्लॉग का एंड कर दो आप। नहीं नहीं, जल्दी से कर दो। नहीं नहीं, घर पहुँचने लगे ना इसलिए। बाय बाय। ये भी गाना नेक्स्ट वीडियो।